हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यश की बगिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए, स्नेह के लिए और आपके शानदार कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपसे ऑर्नामेंटल प्लांट, समर सीजन के ऑर्नामेंटल प्लांट आपसे शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको ये खूबसूरत सा एक ऑर्नामेंटल प्लांट, पीस लिली का। ये एक बहुत ही शेड लविंग प्लांट है। इसकी लीव्स बहुत ही डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और ये आप देख रहे होंगे इसमें एक फ्लावर भी आ रहा है। ये देखिए, ये फ्लावर हल्की सी, इसको अगर ब्राइट लाइट में रखा जाए तो इसमें इस कलर, इस तरह से एक वाइट कलर का फ्लावर आता है जो बेहद खूबसूरत लगता है। इसे हम आउटडोर इंडोर दोनों जगह रख सकते हैं, पर ये शेड लविंग प्लांट है इसलिए ये शेड के नीचे या इंडोर में रखा जाए तो ये अच्छा इसकी ग्रोथ निकल के आती है। ये हमारे पास एक बेस्ट ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और अगला प्लांट है ये एग्लोनिमा का। ये भी कई वैरायटी में आते हैं, मेरे पास ये अभी दो वैरायटी हैं। इसे लिपस्टिक एग्लोनिमा के नाम से जानते हैं और इसे ग्रीन एग्लोनिमा के नाम से जानते हैं। ये भी एक अच्छा शेड लविंग प्लांट है, इसे भी हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। ये भी समर सीजन में अच्छी ग्रोथ आती है इसमें भी, और अभी रेनी सीजन में ये और भी अच्छा इसके बल्ब निकलेंगे। ये भी मल्टीप्लाई प्लांट होता रहता है, इसके भी हम कई गमले तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी जब मैंने लिया था तो एक ही प्लांट था लेकिन अब दो प्लांट बन गए हैं और इसमें तीन प्लांट बन गए हैं। ये इसे हम और भी गमलों में तैयार कर सकते हैं, इसे हम बालकनी या इंडोर में रख सकते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल अंधेरी सी जगह में रखते हैं तो इसके कलर इतने अच्छे निकल के नहीं आते हैं। इससे थोड़ी सी ब्राइट लाइट मिलती रहनी चाहिए तो इसके कलर बहुत अच्छे निकल के आते हैं। इस प्लांट की हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, तो हम इसको बेहतर होगा कि हम इसके जिस जैसे ये मल्टीप्लाई होता है तो हम इसके और गमले तैयार करके इसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और ये समर सीजन में बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आती है इसकी, एक बेहतर ऑप्शन है हमारे बगिया में, अच्छा कलर ऐड भी करेगा, तो हमें हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन है ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए। और ये अगला प्लांट है, ये इंग्लिश आईवी के नाम से जाना जाता है। ये बेहद खूबसूरत प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके लीव्स की आप बनावट देख रहे होंगे, बेहद खूबसूरत लगती है। इसे हम हैंगिंग बास्केट में और पॉट में दोनों जगह लगा सकते हैं। ये भी एक शेड लविंग प्लांट है और समर सीजन में अच्छी ग्रोथ निकल के आती है इसकी, जबकि जब सारे प्लांट जहां सूख रहे होते हैं समर सीजन के टाइम पे, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बड़ी अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाते हैं और बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसकी लीव्स आप देख सकते हैं वेरीगेटेड होने के कारण बेहद खूबसूरत लगती हैं और बनावट तो होती ही है इसकी खूबसूरत। इसे भी ब्राइट लाइट पसंद है, धूप ज़्यादा पसंद नहीं है और इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए, तो ये हमारे पास अच्छा चलने वाला एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। और ये अगला प्लांट है, एस्पेरेगस का प्लांट है। ये भी बहुत ग्रीनरी ऐड करता है समर सीजन में, बेहद हार्डी प्लांट है ये। इसकी लीव्स भी बेहद खूबसूरत दिखती है और समर सीजन में ये अच्छा ग्रीन कलर ऐड करता है हमारी बगिया में। इसे हम इस प्रकार से हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जो बेहद खूबसूरत दिखती है और अच्छा ग्रीन कलर ऐड होता है हमारी बगिया में। इसकी रूट्स भी ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और ये भी बहुत मल्टीप्लाई होने वाला प्लांट है। और इस प्रकार के इसमें कुछ ऐसे इस प्रकार के बल्ब होते हैं कैप्सूल जैसे, ये आप देख रहे होंगे, जिसको हम निकाल के
और कई प्लांट बना सकते हैं जो बेहद खूबसूरत दिखेंगे। और समर सीजन में आप देख रहे हैं कितना अच्छा हार्डी प्लांट है, इसको जितनी धूप में रखें हम उतना ये ग्रीन होता है और बेहद खूबसूरत दिखता है। ये अच्छा ग्रीनरी ऐड करने वाला एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। और अगला प्लांट है ये जेड प्लांट का नाम से जाना जाता है, ये भी एक बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी लीव्स की बनावट भी बहुत खूबसूरत होती है, अच्छा ग्रीन कलर ऐड करता है, अच्छा हार्डी प्लांट भी है ये। इसे भी हम छोटी से छोटी कटिंग से हम इसको लगा सकते हैं और आसानी से लग जाती हैं इसकी कटिंग भी। इस प्लांट की हम कुछ इस प्रकार से टोपियारी भी बना सकते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत दिखती है, और कुछ इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर में हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं कटिंग के ज़रिए, ये आप देख रहे होंगे, जो बेहद खूबसूरत लगती है। इस प्लांट की हम बॉन्ज़ाई भी बना सकते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। ये एक सेकुलेंट प्लांट है इसलिए इसको हम इसे पानी कम पसंद है और धूप ज़्यादा पसंद है। ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास समर सीज़न में। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।